हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इतना सारा प्यार देने के लिए। मुझे नहीं पता था यूट्यूब चैनल का रिस्पांस इतना अच्छा होगा। कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल वीडियो, एवरीथिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। ये देखिए मैंने ले ली है 250 ml दही और इसको अब मैं फेंट लेती हूँ। ये मैंने बीटर लिया है, आप स्पून की हेल्प से भी फेंट सकते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा अच्छे से फेंट लेते हैं, जो दही के अंदर थोड़े लम्स टाइप होता है वो सब न रहे, एकदम इकसार हो जाए दही। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ मैं, ये 1 कप पानी है। ये देखिए अब इसको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप पतला रायता खाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब इसमें हम मिला लेंगे बूंदी, ये मैंने ली है अराउंड 1/2 कटोरी बूंदी है, और ये प्लेन बूंदी है सिर्फ नमक वाली जो आती है। और इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल देना है हमें वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट एंड रेड चिली। ये देखिए मिक्स कर रहे हैं, इसको भी डाल दिया है। इसको अच्छे से चला लेते हैं फ्रेंड। जो काले नमक का स्वाद होता है वो रायते में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको कहूँगी कि आप कोशिश कीजिए काला नमक ज़रूर डालिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें छौंका लगाने के लिए एक पैन ले लेते हैं, उसमें मैंने लिया है 2 स्पून तेल, कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ मसाला इसमें क्या डालेंगे छौंकने के लिए, मेथी, हींग, और ये मैंने ली है साबुत लाल मिर्च, और ये लिए मैंने करी लीव्स बहुत ही फाइनली चॉप की हुई, और लिया है थोड़ा सा जीरा। देखिए मैंने आपको बहुत जूम करके दिखाया है, क्वांटिटी आपको आइडिया हो जाएगा कितनी ली है। पैन हमारा गर्म हो गया है, चलिए इसमें डाल देते हैं। ये देखिए क्रैकल होने दिया है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं हमें करना है। ये देखिए थोड़ा सा इसको फ्राई हो जाने दीजिए, और इसमें से अब धुआं भी निकलने लगा है। हमें ये छौंका अपने रायते में डालना है। ये लीजिए, थोड़ा दूर रहिएगा, थोड़ी सी छींटे आती हैं। ये देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए एंड हियर यू गो। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, बहुत फाइनली चॉप किया हुआ धनिया, बहुत अच्छा टेस्ट देगा वो इसमें। इसको मिक्स कर लीजिए, एक अच्छा सा मिक्स कर दीजिए इसको। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा फेवरेट है रायता, मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊं मुझे रायता ज़रूर चाहिए, चाहे वो घी का हो या कुकुम्बर का हो। पर फिर भी फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है वह बूंदी का रायता थोड़ा अवॉइड कीजिए और घी या खीरे का रायता खाइए। ये देखिए सर्व कर लिया है। थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैंने इस पे हरा धनिया लगा दिया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।